लोकसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान हो चुका है और इसी के साथ देश में आचार संहिता लग चुकी है। लेकिन अब जरा ये तस्वीर देखिए। अब जरा जिले के अतिरिक्त कलेक्टर का बयान भी सुन लीजिए। डीएसओ मैडम को मैंने फोन करके बताया, कोई जाके पालन करे, किसी तरह के फोटो वाले जो है लाभ योजनाओं के जो है सिलेंडर वितरण नहीं किए जाए। मामला है झालावाड़ के झालरा पाटन का, जहां आचार संहिता लगने के बाद भी पीएम नरेंद्र मोदी की तस्वीर लगे हुए गैस चूल्हे गैस एजेंसी बांट रही है। जबकि बीता 10 मार्च को ही चुनाव आयोग ने देश के लोकसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान किया था। चुनाव के ऐलान के साथ ही देश में आचार संहिता लग गई। इस दौरान पीएम से लेकर कोई भी नया मंत्री किसी भी नए कार्य योजना का ऐलान नहीं कर सकता और न ही योजना में तस्वीर लगाकर वितरण कर सकता है। लेकिन झालावाड़ जिले में आचार संहिता की धज्जियां किस तरह उड़ाई जा रही है, इसका एक जीता जाता उदाहरण आप खुद देखिए। कि निर्वाचन आयोग, जिसको संवैधानिक दर्जा मिला हुआ है, आज वो गाइडलाइन जारी करता है, उस गाइडलाइन से इतर, उस गाइडलाइन की धज्जियां इस देश में कोई उड़ाएगा तो बीजेपी उड़ाएगी। इसीलिए हमने कहा लोकतंत्र खतरे में है। जो लोग निर्वाचन आयोग की गाइडलाइन का पालन नहीं करना चाहते हैं, वो इस देश को, लोकतंत्र को खतरे में पैदा कर रहे हैं, यही हम कह रहे हैं। बीते दिनों ही बीजेपी के सांसद रामशरण बोहरा के एयर स्ट्राइक वाले पोस्टर पर खूब राजनीति हुई थी। तब भी कांग्रेस ने बीजेपी पर आरोप लगाते हुए कहा था कि बीजेपी के लिए चुनाव आयोग के निर्देश कोई मायने नहीं रखते, ये लोग 5 साल में ही कुछ नहीं किए और अब चुनाव जीतने के लिए हथकंडे अपना रहे हैं। डीएसओ मैडम को मैंने फोन करके बताया, कोई जाके पालन करे, किसी तरह के फोटो वाले जो है लाभ योजनाओं के जो है सिलेंडर वितरण नहीं किए जाए, और अगर कोई फोटो वगैरह लगाए तो उनको चिपका किसी तरह से उनको करके, या उनको फोटो युक्त जो है सिलेंडर जो है अभी वितरण नहीं किया जाए, उसकी पालना सुनिश्चित करें। गैस चूल्हे पर मोदी की फोटो है और जब इस मामले की खबर प्रशासन को लगी तो हड़कंप मच गया। जिला अतिरिक्त कलेक्टर ने कहा कि जल्द ही गैस एजेंसियों को निर्देश जारी कर दिए जाएंगे कि मोदी की तस्वीरों को हटाया जाए या फोटो पर कागज चिपकाया जाए। लोकसभा चुनाव को लेकर बिगुल बज चुका है और सभी राजनीतिक पार्टियां जोर शोर से प्रचार प्रसार में लगी है। लेकिन नियमों की अवहेलना कर प्रचार का यह सिलसिला कब तक चलेगा और इस पर आयोग क्या कार्रवाई करेगी, ये तो निर्वाचन आयोग को ही तय करना होगा।